दोस्तों, जैसे कि हम बात करेंगे इस प्लान के बारे में, पूरा डिटेल्स हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइज़ की अगर बात करेंगे 26 फिट यानी कि 26 फिट बाई 36 फिट के प्लान के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करेंगे इस प्लान के बारे में, तो यहाँ पे हमने सब कॉलम जितनी भी कॉलम्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है एक्चुअली 10 इंच बाई 10 इंच की है, तो एक एक करके हम सारे कॉलम्स को वर्टिकली इरेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि दोस्तों जब भी घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप घर का फाउंडेशन डाल रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो आप कॉलम का साइज़ मिनिमम जो है वो 10 इंच बाई 10 इंच का डालें। और इस कॉलम में आप स्टील जो यूज़ करेंगे, कभी भी 4 स्टील यूज़ कम से कम करें, वो 12 mm डाय का होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कॉलम्स 10 इंच बाई 10 इंच की है। और जब कॉन्क्रीट यानी कि ढलाई करेंगे इस कॉलम्स की, तो दोस्तों M20 ग्रेड का ही कॉन्क्रीट यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी वर्टिकली हम इरेक्ट कर लेंगे। रेड मार्क कॉलम का हमने जो मार्क किया है, तो टोटल कॉलम्स की बात करें 12 कॉलम्स यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वॉल्स के बारे में। जितने भी वॉल्स इस प्लान में हमने प्रोवाइड किया है, एक्चुअली आपको 5 इंच थिकनेस की वॉल्स हैं। आउटर वॉल्स भी हम 5 इंच की डाला है, देख सकते हैं, और इनर भी। तो जितने भी वॉल्स है, तो एक एक करके सारा वर्टिकली इरेक्ट कर लेंगे। यानी कि दोस्तों घर का कंस्ट्रक्शन में, और आप जब भी वॉल आउटर डाल रहे हैं या इनर, 5 इंच की आप मोटाई जब वॉल आप डाल रहे हैं, तो हमेशा ये चाहिए कि आपको सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रहेगा वो आप 1:5 या 1:4 का आप करें तो बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटा और हार्ड होनी चाहिए आपको 5 इंच की ब्रिक वर्क में। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको भी वर्टिकली रख कर लेंगे। आउटर वॉल्स आप देख सकते हैं, सराउंडिंग वॉल्स जितने भी हमने वर्टिकली लिया है। उसके बाद प्लिंथ हाइट का मार्क आउट कर लेंगे। प्लिंथ हाइट देख सकते हैं आप, कम से कम प्लिंथ हाइट आप 2 से 2.5 फीट रखें, या फिर लेवल के हिसाब से आपके एरिया में अगर वाटर लॉगिंग है, रोड है, उसका आप एक बार लेवल चेक कर लें, उसके हिसाब से प्रोवाइड करें। प्रॉपर उसको प्लिंथ हाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप प्लिंथ हाइट प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, आपकी दीवार में सीलर नहीं होगा। अगर वाटर लॉगिंग एरिया है, तो आप देख लें वाटर लेवल क्या आता है बरसात के दिनों में, उसके हिसाब से प्लिंथ हाइट रखें। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया प्लिंथ हाइट। उसके बाद बात करेंगे एंट्री, तो ये वाला पोर्शन आपको कार पार्किंग मिलेगा। मेजरमेंट डिटेल्स की बात करेंगे, तो इसका हम मेजरमेंट डिटेल बाद में शेयर करेंगे। एंड जो इनसाइड की वाले हैं, ये भी 5 इंच की है, इसको भी वर्टिकली हम इन्हें ही खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको मेन डोर मिलेगा, 3.5 फीट बाय 7 फीट का डोर। एंट्री करेंगे, हॉल एरिया में आते हैं काफ़ी स्पेस का। एंड सबसे पहले ये वाला बेडरूम की बात करेंगे, 2 BHK का प्लान है, यानी कि 2 बेडरूम्स है। ये वाला बेडरूम्स देख सकते हैं, इसके लिए डोर मिल जाएगा आपको 3 फीट बाई 7 फिट, या फिर आप 3 फिट 6 इंच बाई 7 फिट का रख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 फिट के ऊपर 3 फिट का वॉल देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये वाला आपको बेडरूम। उसके बाद यहाँ पे सी टाइप का स्टेयर, इसका फिक्सिंग करके बाद में दिखाएंगे। एंड यहाँ पे बेडरूम है, जो ये वाला बेडरूम का जो पार्टीशन वॉल्स है आप देख सकते हैं, इसको भी वर्टिकली लेंगे। उसके बाद दोस्तों इस बेडरूम के लिए आपको डोर मिल जाएगा, काफ़ी स्पेस का बेडरूम है। डोर साइज़ आप 3.5 फीट या फिर 3.5 फीट बाई 7 फीट डाल सकते हैं, तो कम से कम आप 3.5 फीट बाई 7 फीट डालें जो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर आपको 3 फीट का वॉल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इस वॉल को हम कॉलम से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं इस डोर के थ्रू। आपको एक किचन मिलेगा, किचन यहाँ पे OTS भी एक वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। और स्लैब हेड की बात करें इसका, किचन का 2 फीट आपको 7 से 8 इंच मिल जाएगा। डोर की बात करेंगे इस किचन के लिए, आपको 2 फीट 6 इंच चौड़ाई, 7 फीट हाइट, एंड 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल देखने को मिलेगा। इसे हम कॉलम से कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से इस आपको किचन के लिए आपको डोर मिल जाएगा। इस डोर के थ्रू आप किचन में एंट्री कर सकते हैं। आप ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन करने के लिए हमने OTS डाला, इसका साइज़ बाद में दिखाएंगे। और आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। एंड डोर साइज़ 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट को देखने को मिलेगा, 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल। एंड ये वाला आपको स्लेट बाथ की यानी कि टॉयलेट के लिए ये वाला आपको डोर मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला आपको मेन डोर है, जिसके 3.5 फीट बाई 7 फीट, एंड यहाँ पर आप 4 फीट बाई 7 फीट का डोर रख सकते हैं। इसे भी 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल दिखा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला आपको मेन डोर आपको देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विंडो की ओपनिंग्स के बारे में, उसके बाद स्टेयरकेस का फिक्सिंग, उसके बाद फर्नीचर सेटअप किस प्रकार से रहेगा, सारे डिटेल्स आपको दिखाएंगे। विंडो का ओपनिंग्स भी दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, एंड स्टेयरकेस का फिक्सिंग भी। तो यहाँ पे अब दोस्तों अगर हम फाइनली बात करें, तो आप देख सकते हैं प्लान आपके सामने स्क्रीन पर है, और हमने सारा विंडोज़ का ओपनिंग्स प्रोवाइड कर लिया। फ्रंट में देख सकते हैं बेडरूम में हमने तीनों साइड क्लोज दिखाया, फ्रंट साइड आपको ओपन है एक्चुअली सिर्फ। और एंट्री करेंगे देख सकते हैं, अगर स्टेयर की बात करें तो आपको 3 फीट वाइड का स्टेप्स मिल जाएगा, 6 से 7 इंच का राइजर डाल सकते हैं, 10 इंच का ट्रेड डाल के सी टाइप का स्टेयर, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 फ्लाइट रखा गया सी टाइप स्टेयर में।
उसके बाद आप देख सकते हैं हमने विंडो का भी ओपनिंग इनसाइड देखा है, उसके बाद एक OTS भी हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो ये आपको एक OTS भी रखा है हमने, उस देख सकते हैं आप टॉयलेट एंड किचन के बीच। उसके बाद आपको विंडोज़ भी मिल जाएगा। अगर हम मेज़रमेंट डिटेल्स की बात करें इस प्लान के बारे में, तो मेज़रमेंट की अगर बात करें साइज देख सकते हैं, आपको साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा 26 फिट बाई 36 फिट का प्लान है, देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किचन साइज़ के बारे में, देख सकते हैं आप 10 फिट, यानी कि आपको इसका साइज 10 फिट बाई आपको मिल जाएगा 11 फिट, 2 इंच का काफ़ी स्पेस का किचन है। उसके बाद ये वाला बेडरूम 14 फिट 9 इंच, 14 फिट 9 इंच बाई आपको 11 फिट 2 इंच का रूम मिलेगा। स्टेयर की बात करेंगे 3 फीट वाइड स्टेप्स, हॉल एरिया की बात करेंगे देख सकते हैं 19 फिट 9 इंच बाई 10 फिट 2 इंच का है। उसके बाद ये वाला आपको बाथरूम की बात करेंगे तो देख सकते हैं 5 फिट 5 इंच बाई आपको यहाँ पर मिल जाएगा 6 फिट 9 इंच का। OTS की बात करें देख सकते हैं आप 5 फिट 5 इंच बाई 3 फिट का OTS मिलेगा। उसके बाद ये वाला बेडरूम की बात करेंगे, काफ़ी स्पेस का बेडरूम है, 14 फिट 9 इंच बाई आपको यहाँ पे 13 फिट का ही है ओके। उसके बाद पार्किंग एरिया की बात करेंगे तो इसका साइज देख सकते हैं आप, ये आपको 10 फिट बाई यानी कि 10 फिट बाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा 13 फिट 5 इंच। दोस्तों अगर हम बात करें 26 फिट बाई 36 फिट का प्लान जो है, उम्मीद करते हैं प्लान काफ़ी अच्छा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।